सब्सक्राइब कीजिए टेलीकॉम न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए इंडिया की लेटेस्ट टेलीकॉम न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। जियो फोन से यूजर्स का ध्यान हटाने के लिए एयरटेल सबसे सस्ता 4G वोल्टी स्मार्टफोन को लॉन्च करने की तैयारी में है। कंपनी का आने वाला 4G फोन काफी चर्चाओं में भी है। इस फोन को लॉन्च करने से पहले एयरटेल पूरी प्लानिंग कर रहा है, इसलिए एयरटेल ने हाल ही में अपनी वोल्टी सेवा भी लॉन्च की है, जिसकी शुरुआत एयरटेल ने मुंबई से की है। वोल्टी सेवा लॉन्च करने के बाद अब कंपनी अपने 4G स्मार्टफोन को लॉन्च करने वाली है। खबरें हैं कि यह फोन दिवाली से पहले लॉन्च हो सकता है। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि एयरटेल जियो फोन के फीचर फोन की टक्कर में स्मार्टफोन लॉन्च करेगी, जो कि सस्ता होगा और 4G वोल्टी फीचर के साथ आएगा। टेलीकॉम न्यूज को मिली रिपोर्ट के अनुसार एयरटेल भी अपने फोन कई ऑफर्स के साथ पेश कर सकती है। जिस तरह रिलायंस जियो अपने फ्री फीचर फोन में सबसे सस्ते टैरिफ का लाभ दे रहा है, एयरटेल भी जियो के टक्कर में इसी तरह के प्लान ऑफर करेगी। एक और जहां जियो फोन की कीमत 0 रुपये यानी कि 1500 रुपये रिफंडेबल फी है, वहीं एयरटेल अपने फोन को 2500 रुपये तक में लॉन्च कर सकता है। इतनी कम कीमत में एक अच्छा स्मार्टफोन पेश करना भी कंपनी के लिए चुनौती ही है। ऐसा इसलिए क्योंकि मार्केट में पहले से ही सस्ते स्मार्टफोन मौजूद हैं। हाँ, अगर यदि एयरटेल आकर्षक प्लान के साथ फोन लॉन्च करे तो बात अलग होगी। टेलीकॉम न्यूज को मिली रिपोर्ट के अनुसार एयरटेल 4G फोन की कीमत 2500 रुपये तक होगी। वहीं इस फोन में 4 इंच का डिस्प्ले और डुअल कैमरा होगा। फोन की बैटरी लंबी लाइफ के साथ आएगी और इसमें वोल्टी सपोर्ट भी दिया जाएगा। टेलीकॉम न्यूज की रिपोर्ट। फॉर द लेटेस्ट टेलीकॉम न्यूज सब्सक्राइब टू दिस चैनल नाउ।